नमस्कार दोस्तों, जिले में समाजवादी पार्टी की लंबे समय तक राजनीति करने वाले वीरपाल सिंह यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव का साथ छोड़ दिया है। वह एक बार फिर सपा के खेमे में लौट आए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद यह बात स्पष्ट की। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। उनके साथ कई समर्थकों ने भी तब सपा का दामन छोड़कर प्रसपा ज्वाइन कर ली थी। इसमें पूर्व विधायक महिपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख चंद्रसेन सागर, मलखान सिंह यादव समेत अन्य कई नेता शामिल थे। पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने भी सपा छोड़कर शिवपाल की पार्टी का दामन थाम लिया था। जिले में सपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे वीरपाल सिंह का अचानक सपा को छोड़कर चले जाना लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी अलग होने के बाद भी सियासत में मजबूत कदम नहीं गढ़ पाई। इसी विधानसभा चुनाव में प्रसपा सपा के साथ थी, लेकिन पार्टी कुछ निर्णायक नहीं कर पाई। इधर शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में शामिल होने की चर्चा तेजी से फैल रही है। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रसपा के पुराने नेताओं को न्योता दे रहे हैं। वीरपाल सिंह यादव भी उनसे मिलकर लौटे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने सपा में काम करने की इच्छा जताई है, जिस पर पार्टी अध्यक्ष ने हामी भर दी है। वह एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव के भाजपा में जाने की बात पर उन्होंने जानकारी नहीं होना बताया। कहा, अब प्रसपा नहीं सपा के साथ काम करेंगे। यह भी कहा कि पार्टी में किसी पद की लालसा नहीं है, बस कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे। पार्टी में आने से किसी का नुकसान नहीं होगा।